हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, देखिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओवली स्टेडियम ब्रिज टाउन, जिसको बारबाडोस के नाम से भी जानते हैं। बारबाडोस, सीपीएल वाला बारबाडोस, यस वही। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ग्राउंड साइज़ क्या है, होम ग्राउंड कौन सी टीम का है, पिच कैसी है, एवरेज स्कोर क्या है, फर्स्ट वेट या सेकेंड वेट कौन से साइड ग्राउंड सपोर्ट करता है, क्यों करता है। तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, ग्राउंड का साइज़ काफ़ी छोटा है, T20 के लिहाज से काफ़ी ही छोटा ग्राउंड है। ठीक है, काफ़ी छोटा ग्राउंड है। और होम टीम है, बात करते हैं होम टीम। अच्छा देखिए, बारबाडोस वाला ग्राउंड जिसको ओवल ग्राउंड है, वो किसी भी टीम का होम ग्राउंड नहीं है, किसी सभी टीमों का अवे ग्राउंड है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर ये ग्राउंड का 150 से 160 यहाँ आजू बाजू रहते हैं, ज़्यादा हार्डली देखा जाए तो 70 हो जाएगा, मतलब ये इसी रेशियो में रहता है। और ग्राउंड सपोर्ट करता फर्स्ट बेट को। अब आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होंगी, क्योंकि ग्राउंड काफ़ी छोटा है, फिर भी स्कोर 150 को 60 या 165 70 ही, मतलब यही एवरेज में देखने क्यों मिलता, हाई स्कोर क्यों नहीं होता। देखिए, ये यहाँ का ओवल का ग्राउंड हमेशा ऐसे एक मिस्टीरियस ग्राउंड रहा, है। यहाँ जब भी कोई प्रेडिक्शन करो, बड़ी संभल के करें, क्योंकि यहाँ वो चीज़ें होती ही नहीं जो आपको दिखती है। इन शॉर्ट, सिंगल वर्ड में बोला जाए तो यहाँ लो स्कोर डिफेंड हो जाते हैं और हाई स्कोर चेस हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एकदम से मिस्टीरियस ग्राउंड। जब भी इस ग्राउंड में मैच हो, बारबाडोस वाले में, ओवल स्टेडियम ब्रिज टाउन वाले में, जब भी कोई मैचेस हो तो सारे अपने सेंस ओपन करके ही काम करना, क्योंकि ये प्योर मिस्टीरियस ग्राउंड है। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, एवरेज स्कोर को पकड़ के नहीं चलना, ठीक है, ये सिर्फ पुराने मैचेस के डाटा होते हैं, करंट टाइम में क्या होगा वो करंट टाइम में देख के ही समझ आएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्राउंड का साइज़ काफ़ी छोटा है, होम ग्राउंड किसी भी टीम का नहीं है, सभी टीमों को अवे ग्राउंड है, पिच यहाँ की प्योर फ्लैट है। एवरेज स्कोर, जैसे कि मैंने पहले वाले एवरेज स्कोर को पकड़ के नहीं चलना जो कुछ भी हो। और ग्राउंड फर्स्ट बेट को सपोर्ट करता है ज़्यादातर टाइम, पर ग्राउंड मिस्टीरियस है, तो जो कुछ भी काम करना है, जो आपकी आंखों के सामने होगा इस ग्राउंड में, वो एक्चुअल में रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आएंगे, इन शॉर्ट बोला जाए तो। ठीक है, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।